हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले चम्मल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 7 रुपए 15 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 4% की तेजी देखने को मिली है, 1 महीने के अंदर 1.5%, परंतु 3 महीने में देखें तो इस स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है, 6 महीने में 6%, 1 साल के अंदर 12% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु 1 महीने से इस स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। स्टॉक में देखें तो ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 249 रुपीज। 249 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 264 रुपीज। 264 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 267 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 300 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में ट्रेंड भी देखें तो स्टॉक का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड देखने को मिलाएगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए। अगर ये स्टॉक 264 रुपीज से नीचे गिरता है तो इस स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।